change, my different more, but I see us up. Oh, who does to the second is carrying in a bus? ऑल राइट गाइज, तो अभी आप लोग जिस वाली वीडियो को प्रीव्यू पे देख रहे हो गाइज, अभी के टाइम पे ना कुछ इस टाइप की जो लिरिक वीडियो है इंस्टाग्राम के अंदर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। तो गाइज अगर आप भी कुछ इस टाइप की वीडियो को एडिट करना सीखना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक देखना। इस वीडियो के अंदर गाइज मैं आपको कम्प्लीट बताऊंगा कि आखिर कैसे आप लोग कुछ इस टाइप की लिरिक वीडियो को एडिट कर सकते हो, वो भी काफी कम टाइम में। तो अब इंट्रो पे ज्यादा टाइम न गवाते हुए डायरेक्ट चलते हैं फोन की स्क्रीन पर और वहां पर चल के हम अपनी वीडियो एडिटिंग को सीखते हैं। ऑल राइट गाइज, तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपने फोन की स्क्रीन पर और यहाँ पर गाइज सबसे पहले ना आप लोगों को अपना अलाइट मोशन ओपन कर लेना होगा। जैसे गाइज यहाँ पर आप अपना अलाइट मोशन ओपन कर लेते हो, सबसे पहले यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके 9:16 रेशियो सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना होगा। एंड जैसे गाइज आप इतना कर लेते हो, अभी आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है कि सिंपल से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से गाइज आपको अपनी ऑडियो ऐड करनी होगी। तो ऑडियो पर आना है और जिस भी ऑडियो पर आप अपनी वीडियो को एडिट करना चाहते हो यहाँ से आप अपने ऑडियो को ले सकते हो। लेकिन अगर आप मेरी तरह किसी वीडियो से ऑडियो लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको मीडिया पर आना है और यहाँ पर आप अपनी उस वीडियो को खोज लेना जिस वीडियो का ऑडियो लेना चाहते हो। तो ये वाली वीडियो का मैं ऑडियो लेना चाहता हूँ, तो वीडियो यहाँ पर आ चुकी है। वीडियो पे क्लिक करूंगा, सबसे ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो करूंगा। वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा। अब देखो यहां पर केवल उस वीडियो की ऑडियो आ चुकी है। सो जैसे ये ऑडियो यहां पर आ जाती है ना, सबसे पहला काम आपका क्या होगा, यहां से आपको अपनी म्यूजिक को प्ले करना है। अगर आप किसी भी सॉन्ग पर वीडियो बना रहे हो तो यहाँ से आप अपनी म्यूजिक को प्ले करना और ये सुनना कि कहाँ कहाँ पर आपको बीट लगाना है। तो फर्स्ट बीट जो मेरा रहेगा वो रहेगा राइट 3 सेकंड में, आप अपने हिसाब से देख लेना कहाँ कहाँ पे आपको फोटो चेंज करके बीट लगाना है। ठीक है, तो फर्स्ट बीट मेरा 3 सेकंड पे रहेगा, सेकंड बीट जो रहेगा मेरा राइट 6 सेकंड पे रहेगा, थर्ड बीट जो रहेगा वो मेरा राइट 9 सेकंड पे रहेगा, फोर्थ बीट जो रहेगा वो राइट मेरा 12 सेकंड रहेगा एंड फिफ्थ बीट जो है वो रहेगा मेरा राइट 15 सेकंड में। ठीक है, तो 15 सेकंड में एक बीट लगा देते हैं एंड इसके अगला जो वाला बीट है वो रहेगा मेरा राइट 19 सेकंड में, तो 19 सेकंड में एक बीट लगा देते हैं और इसके आगे का जो बीट है वो रहेगा राइट 23 सेकंड में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको भी बीट ऐड करना होगा, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, बीट ऐड करने पहले ही कर दोगे तो आपको बाद में वीडियो को एडिट करने में आसानी होगी। ठीक है, सो जैसे इतना हो जाता है अभी आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके मीडिया पर आना है और आपका जो भी फर्स्ट फोटो है, फर्स्ट फोटो ऐड करना, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो आपका जो फोटो है वो बीट तक सेट हो जाएगा। सो जैसे इतना हो जाता है अभी आपको फोटो पे क्लिक करना है, सबसे ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पर फिल कंपोजिशन एरिया का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक कर देना। ठीक है, तो देखो सॉरी बैक हो गया है तो पूरा हाँ, तो देखो आपके सामने ये कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने फोटो में एनिमेशन देते हैं। तो फोटो में एनिमेशन कैसे देना है, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको सबसे पहले फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके सबसे ऊपर देखो यहाँ पर मिलेगा आपको सर्च का ऑप्शन, सर्च पे जाना और यहाँ पर फ्रैक्टिकल सर्च करना। फ्रैक्टिकल जैसे ही सर्च करोगे सिंपली से सबसे ऊपर फ्रैक्टिकल वार आ जाएगा, सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना, स्टार्टिंग में जाना और पोजीशन पे एक की लगा देना और सबसे एंड में आना, एंड में आने के बाद एक की लगा देना और इसका जो पोजीशन का जो एक्स की वैल्यू है इसको आप 1200 कर देना, वाई की जो वैल्यू है इस पर क्लिक करके आप इसको 1300 कर देना, ओके करना, नीचे जाना, मैग्नीट्यूड को गाइज आप लोग यहाँ पर 0.-0.15% रखना। ठीक है, जितना आप ज्यादा एनिमेशन देना चाहते हो उतना आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड रखना। तो अभी अगर मैं प्ले करके दिखाऊं तो देखो कुछ ऐसा एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा आपकी इमेज में, देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने इमेज के अंदर एनिमेशन देना है। ठीक है, अब आपको अपना लिरिक्स कैसे लिखना है, लिरिक्स भी देख लो कैसे कैसे लिखना है, कौन सा फॉन्ट यूज करना है, कौन सा एनिमेशन देना है। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके टेक्स्ट पर जाना होगा और जो भी आपका लिरिक्स है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर अपना लिरिक्स टैप करना है। ठीक है, तो जैसे कि जो मेरा लिरिक्स है छू लो जो मुझे तुम कभी ऐसा कर गया। ठीक है, तो मैं कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पर ये आप लोग देखना। तो यहाँ पर जो मैं मेरा है लिख लेता हूँ छू लो जो ऐसा करके। ठीक है, रोबोटो रेगुलर पे जाके अमेरिकन कैप्टन नाम है फॉन्ट का, ये वाला फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, आपको मेरे टेलीग्राम पर ये वाला फॉन्ट मिल जाएगा। ठीक है, ईजिली से डाउनलोड कर सकते हो जाके, इसको यहाँ पर लिखना और इसका जो कलर है सबसे पहले व्हाइट करके इसको डबल ऊपर से ओके कर देना। ठीक है, अभी बॉर्डर एंड शैडो पर जाके शैडो पर जाना और इसको इनेबल कर देना इसका शैडो। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है पूरा अपने बीट तक रखना। ठीक है, सो यहाँ पर अभी आप इसको क्या करना, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको बड़ा करना। ठीक है, इतना करने के बाद अभी आपको यहाँ से बैक करना होगा, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके
करके थोड़ा सा और इसको इसकी साइज बड़ा कर देते हैं कुछ इतना, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको ऊपर की तरफ रखना, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख लो, ठीक है। इतना करने के बाद अगर आप पीछे की तरफ, ठीक है, ग्लो ऐड करना चाहते हो, जैसे कि व्हाइट है तो पीछे हम व्हाइट ग्लो ऐड करेंगे, तो इसके लिए गाइज क्या करना है, बॉर्डर एंड शैडो पर जाना है और शैडो का जो यहाँ पर कलर है ना गाइज, इसको आप व्हाइट कर सकते हो और यहाँ पर इसका आप यहाँ पे इसको इसका जो अल्फा है इसको अल्फा को कम करके इसका जो साइज है, नहीं यार मैं तो कहूँगा ब्लैक ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक ही कर दो, क्यों मतलब बिगड़ जाएगा क्या, कोई फायदा नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ तो इतना लिखना, ये फर्स्ट लिरिक हो गया हमारा। अब सेकंड लिरिक हमारा आएगा यहाँ से, ठीक है, तो अगर बाहर से नॉइज आ रही हो तो इग्नोर करना, ठीक है। सेकंड लिरिक आएगा हमारा यहाँ से, तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा, टेक्स्ट पर जाऊंगा और यहाँ पर जो हमारा सेकंड लिरिक्स है वो यहाँ पर मैं टैप करूंगा, तो मुझे और तुम ऐसा करके, ठीक है, लिख लिया मैंने। अभी मैं इसका भी कलर क्या करूंगा, इसका येलो रखेंगे हम, ठीक है, और रोबोटो रेगुलर पे जाके अमेरिकन कैप्टन ये वाला फॉन्ट यूज़ करेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके शैडो इनेबल करके इस पर क्लिक करके और इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसकी साइज और बढ़ा कर देते हैं कुछ इस टाइप से और इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर आप अपने लिरिक्स का साइज थोड़ा इंक्रीज करके मतलब बड़ा करके रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। अभी जो इसकी लेंथ है फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इतना करने के बाद आगे आएंगे थोड़ा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम अगला लिरिक्स लिखेंगे, तो यहाँ पर हमको स्टाइलस वाला लिरिक्स लिखना होगा थोड़ा स्टाइलस फॉन्ट में, तो कभी यहाँ पर बोलता है, ठीक है, तो कभी हम लिख देते हैं और यहाँ पर जो फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ टैडी ब्रश, ठीक है, तो ये वाला मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे ही एंड इस पर ये वाला हम कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बॉर्डर एंड शैडो पर जाके शैडो इनेबल करेंगे, इसको हम थोड़ा सा इसकी साइज क्या करेंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके बड़ा करेंगे और इसको यहाँ पे ले जाके इसको यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐसे हम रख देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसकी जो लेंथ है इसको हम यहाँ तक कट कर देंगे, ठीक है। सो इतना लिख चुके हो, यहाँ पर हमने लिख लिए हैं, ये देख सकते हो, ठीक है, एक एक करके हमारा लिरिक्स आएगा। अब हमको इसमें एनिमेशन देना है गाइस। एनिमेशन कैसे देना है ये भी बहुत ही सिंपल है, इसके लिए आपको सबसे फर्स्ट वाले लिरिक्स पे क्लिक करना है और अभी आपको इफेक्ट पर जाना है, एड इफेक्ट पर जाना है, सर्च पे जाना है। सर्च पे जाने के बाद यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म नहीं पूरा कट करना, यहाँ पर आप क्या करना टेक्स्ट लिखना, ठीक है। टेक्स्ट जैसे ही लिखोगे आपको सेकंड नंबर पे मिलेगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इस पर क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना, रेंज पे क्लिक करके यहाँ पर एक की लगा देना, की लगाने के बाद क्या करना थोड़ा सा यहाँ पे आना, ठीक है, पूरा आप मत जाना, मतलब यहाँ पे थोड़ा पहले ही ये जो सेकंड लिरिक्स है इसके पहले ही यहाँ पे क्लिक करना और इफेक्ट पर जाके, हाँ अब यहाँ पर हम रेंज पे सेकंड की यहाँ पे लगाएंगे। लगाने के बाद स्टार्ट का जो पॉइंट है पूरा 100% करना, नीचे आना और इसको ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इसका जो अल्फा है गाइज अल्फा इसको भी -0.1 कर देना, ठीक है। अब सबसे नीचे आ जाना, रैंडम ऑर्डर पे आके इसको इनेबल कर देना और इस पर क्लिक करना और अभी आपको क्या करना है यहाँ पे भी फिर से स्टार्टिंग में आना है, यहाँ पे सॉरी बैक करते हैं, हाँ यहाँ पर आना और यहाँ पे क्या करना है सीड पे आके, ठीक है, सीड पे आने के बाद एक की यहाँ पे लगा देना और सेकंड की आप लगाना यहाँ पे और इसकी जो वैल्यू है आप 30-35 से ज़्यादा मत बढ़ाना, ठीक है, तो इसको मैं 30-35% रख देता हूँ, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसा बन जाएगा आपका एनिमेशन अगर देखोगे तो, ये देख सकते हो, ठीक है, कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिखाऊं तो ये देख सकते हो, ठीक है। अब हमको सेकंड लिरिक्स में भी यही वाला एनिमेशन देना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कॉपी इफेक्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर जाएंगे थ्री डॉट पर करके पेस्ट इफेक्ट, इसी तरीके से इस पे भी जाएंगे और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अभी आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से आपका जो एनिमेशन है वो बन जाएगा, ठीक है। अभी आप विदाउट म्यूजिक देख रहे हो इसलिए आपको उतना सही नहीं लग रहा होगा, बाकी आप एडिट करोगे ना तो इसको म्यूजिक के साथ देखना, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एनिमेशन बन चुका है, ठीक है। अब इंक इफेक्ट भी ऐड करेंगे तो इसके लिए प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर जाएंगे और हमारा जो ये इंक इफेक्ट है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसको ऐड करना है, यहाँ पर क्लिक करके ब्लेंडिंग पे जाना और लाइटन पे क्लिक करके इसको स्क्रीन कर देना, स्क्रीन करने के बाद इस पे भी एक इफेक्ट डालना होगा, यहाँ पर आना सर्च पे और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च करना सैचुरेशन, नहीं यहाँ पर आप कलराइज सर्च करना, ठीक है, एक बार देखते हैं कलराइज में अगर नहीं जाएगा कलराइज सर्च करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना। अभी आपको जो भी कलर देना है अपने इंक इफेक्ट में, ठीक है, वो कलर आप रख सकते हो, ठीक है, तो थोड़ा मैं येल्लो की तरफ इसको कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस टाइप से येल्लो की तरफ, ठीक है, एंड आप देख लेना कितना रखना है येल्लो की तरफ, ठीक है, इसको मैं या फिर ब्लू की तरफ कर देंगे, जिधर आपको सही लगे उधर आप रख सकते हो, मैं इधर ही येल्लो की तरफ ही कर देता हूँ, ठीक है, डार्क येल्लो एकदम।
सिस्टम, ये देख सकते हो ठीक है। तो अभी देखो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये देख सकते हो ठीक है, आपका ऐसे इंक इफेक्ट आएगा, कोई भी कलर रख सकते हो। यहाँ पर देखा आप लोगों ने बहुत सारा कलर रहा ठीक है, तो जो आपको सही लगे ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, अगर अभी मैं प्ले करके दिखाऊं तो देखो कुछ ऐसा बन जाएगा ठीक है। अब आगे भी आपको सेम तरीके से करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक काम और करना, फोटो पे जाना और यहाँ पर इफेक्ट पर जाना, सर्च पे जाना, और यहाँ पे सर्च पे जाने के बाद यहाँ पर फेड लिखना ठीक है। फेड इन आउट आएगा, इस पर क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करके बैक कर देना ठीक है। तो जैसे इतना हो जाता है, अभी आपको अपनी म्यूजिक को छोड़ के फोटो के ऊपर सारे जितने लेयर हैं इन पे सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके आप इसको कॉपी 5 लेयर करना, और अपने बीट पे जाके इसको क्या करना गाइस, यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट 5 लेयर कर देना। तो देखो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा ठीक है, आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको बार बार एनिमेशन वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पर कलर एंड फिल पर जाना है। यहाँ पे क्लिक करके आपका जो सेकेंड फोटो है वो यहाँ पर क्या करना, सिंपली से सेलेक्ट करके यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना ठीक है। इतना करने के बाद अभी आपको बस एडिट करना है आपको ठीक है। यहां पर जैसे कि अभी देखो फर्स्ट लिरिक पे क्लिक करते हैं, एडिट टेक्स्ट पर जाते हैं, इस पे करके इसको कट करते हैं, और जो भी हमारा लिरिक्स है तो यहां पर मैं आगे का जो लिरिक्स है वो लिख लेता हूं ठीक है। तो यहां पर बोला खो ऐसे ठीक है, जाऊं ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब अगर आप चाहो तो इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप एक ही जगह अपना लिरिक्स लिखो, आप कहीं साइड भी कर सकते हो, मैं यहीं पे रखना चाहूंगा, आप चाहो तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके उसको कहीं और भी कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कलर चेंज करते जाना, तब थोड़ा और ज्यादा एस्थेटिक लगेगा। इसका कलर मैं स्काई ब्लू रख देता हूं ठीक है। अब इस पे क्लिक करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे एडिट टेक्स्ट पर और इसको कट करेंगे, और आगे का जो लिरिक्स है वो मैं यहां पर टाइप कर देता हूं कुछ इस तरीके से ठीक है। यहां पर देख सकते हो ठीक है, मैं रात कुछ इस तरीके से ठीक है। भाई बाहर से नॉइज आ रही होगी ना कीड़े की, तो भाई इग्नोर करना है, दिमाग खराब कर दिया है, वीडियो बनाते समय ही परेशान करता है ये। चलो कोई नहीं, ये देख सकते हो कुछ इस टाइप से। अब आगे का भी ये है, इस पे भी क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पर जाएंगे और आगे का जो भी है, दिन बोलता है यहाँ पे तो दिन लिख देते हैं, और डिनर लिखा गया यार, क्या लिख रहा हूं मैं, दिन ठीक है, कुछ इस टाइप से ओके करेंगे। अब देखो कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ पर, इसका भी कलर जो है इसको हम येलो कर देंगे कुछ इस टाइप से। अब देखो यहाँ पर सेकंड वाला भी हमारा बन चुका है, देख सकते हो बहुत ही सिंपल है, फोटो शेप चेंज किए हैं और लिरिक्स एडिट किए हैं, और एनिमेशन वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक लग जाएगा अगर कॉपी पेस्ट कर करके आप लोग ऐसे करोगे तो। अब इसी तरीके से फिर से यहाँ पर जाना है, फिर से यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट 5 लेयर करना, और जैसे जैसे अभी आप लोगों ने इसमें किया था ना सेम उसी तरीके से करते जाना है, और आपको अपना कलर बस चेंज करते जाना है और फोटो चेंज करते जाना है, और आपका जो भी वर्ड है लिरिक्स में वो चेंज करते जाना है। ऐसे करते करते कंप्लीट कर लेना और आपकी ये वाली जो वीडियो है वो कंप्लीटली रेडी हो जाएगी। बाकी इसी तरीके से आप लोग इस वाली वीडियो को एडिट कर सकते हो। अब मैं एक एक करके अगर पूरा बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी 11-12 मिनट की हो चुकी है, मुझे पता नहीं, रिकॉर्डिंग तो अभी 11:40 की हुई है, बाकी एडिट करते समय देखते हैं कितना लेंथ बनता है वीडियो का। बाकी इसी तरीके से एडिट करना है। अब अगर आपको इस वीडियो को एडिट करने में कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी होती है गाइस, तो आप बिंदास मेरे को कमेंट करके बताना, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर से करूंगा, आपकी पूरी की पूरी हेल्प करूंगा। अब जैसे ही आपकी एडिटिंग वगैरह कंप्लीट हो जाती है, इस वाले एरो पे क्लिक करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करना, और आपकी जो वीडियो है गाइस आपकी गैलरी के अंदर सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बता देना, और मिलते हैं किसी ऐसी कमाल के इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइस जय हिंद, वंदे मातरम।